हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल माय स्टाइल माय फैशन। और आज मैंने ना नया वाला टी शर्ट पहना है, और एक बार धो दिया था उसके बाद इसे मैंने पहना है, लेकिन आज मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि वो थोड़े गर्मी में क्या होता है ना, घिसे पिटे हुए कपड़े रहते हैं ना, वो पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नया कपड़ा पहनते हैं ना तभी उसमें बहुत गर्मी होती है। और आज सब्जी मैंने गाजर और आलू की बनाई है, देखिए। और साथ में अभी प्रोग्राम बना कि चावल खाने हैं, वो पुलाव जैसे, तभी पुलाव के लिए सारी सब्जियां तो है नहीं, तो सिर्फ गाजर है, तो गाजर डाल के मैं अभी चावल बना लूँगी। और साथ में आम रखे हैं तो उसे भी मैं काट लूँगी, और आटा बुनना है अभी मुझे, तो वो भी मैंने अभी निकाल के रख दिया है। तो और टाइम हो गया है 8:45 रात के, क्योंकि मैं फ़ोन में देखते देखते बैठी रही और टाइम का कुछ अंदाज ही नहीं रहा मुझे कि कितने बज गए हैं। फ़ोन ऐसी चीज़ है, यूट्यूब एक बार चालू करते हैं ना तो फिर समझ में नहीं आता कितना क्या कुछ देख लिया। और उसके बाद एक दो गेम बच्चों ने लेके दी है तो वो गेम खेलने लग गई थी। मुझे लगा सिर्फ सब्जी और यही रोटी बनानी है और आम काट लूँगी, लेकिन अभी एकदम से प्लान बना चावल भी खाने हैं, तो उसे भी मैंने अभी पकने के लिए रख दिए हैं। तो सब्जी बहुत ही बढ़िया वाली बनी है। आटा मैंने अभी गूंथ लिया है और साथ ही साथ मैं पुलाव की तैयारी करने लग गई हूँ। और देखिए, हमारा पुलाव एकदम से ही रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लग रहा था। और साथ ही साथ मैंने आम को भी काट लिया है, और ये सारा काम होने के बाद जो बर्तन हो गए थे ना, वो सारे बर्तन एक्स्ट्रा वाले मैं अभी धोने लग गई हूँ, ताकि फिर खाना खाने के बाद है ना, खाना खाने के जो बर्तन है ना वो ही रहेगी। तो अभी मैं बड़ी सौंफ का शरबत बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ना उसका मसाला तैयार करके रख दिया है, और ये मसाला अच्छे दिन चलता है, मतलब एक महीने तक भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, तो इसको फ्रिज में रखना होता है। और ये मसाला सब्जियों में भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये क्वीन वन का काम करता है। तो ये मसाला भी रेडी है, तो इसे आप जितने गिलास शरबत बना रहे हो ना उस हिसाब से इसमें डालना होता है, चम्मच भर भर के आपको उसमें लेना होता है। और मीठा चाहिए उस हिसाब से आपको चीनी इसमें मिलानी होती है। तो मैं अभी, हम चार लोगों का बना रही हूँ, तो मैं अंदाजे से ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना डालना है। तो ये मसाला अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और चीनी मैंने पहले से ही भूनने के लिए रख दी थी। और अभी इसके अंदर हमें जितना पानी चाहिए ना उतना इसमें पानी डाल देना है, और साथ में नींबू का रस और चाट मसाला डाल के फिर आप इसको पीने के लिए ले सकते हो। और ठंडा पानी डालना है आपको इसमें, या सादा डालना है, वो आपकी मर्जी। शरबत पीने के बाद मैं लग गई थी घर के ये काम करने में। देख, कहते हैं ना, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और ऊपर से घर के काम करने में क्या शर्म, तो आज मैंने ये काम भी कर दिखाया। मॉइस्चर की वजह से ये सारी जो दीवारें है ना पूरे घर की, वो उसमें सीलन सी लग गई है। तो अभी हस्बैंड जी ने ना ये ब्रश लाया है और एक केमिकल ला के रखा है, तो जो कलर वाले भैया है उनको हमने ये बताया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बताए थे, तो हमने सोचा कि ये सारा काम हम कर लेते हैं, और उसके बाद कलर वाले भैया को बुला के इसके ऊपर जो केमिकल वगैरह लगवाना है ना वो लगा देंगे, तो जिससे ये सीलन नहीं आएगी, ऐसा हमने एक वीडियो में देखा था। तो अभी वही ट्राई करने वाले थे हम लोग, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैं ये जो जितनी भी दीवारें है ना उसके ये जो निकल रहा है ना पपड़ी, वो सादा मैं साफ करके रख देती हूँ।